अंकल लोग हैं, हम लोग का यूट्यूबर आइए लोग मिलने, हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी 4 घंटे भारी मुसीबत में बैठे हैं, जब तक अपलोड होगा हम लोग ये लीला उस बिजनेस की लिखी अम्मा हो गए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वक्त हो चुका है आप लोगों को बताने का कि अभी आप लोग बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ तक का सफ़र। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला कुछ दिन बहुत ही धमाल होने वाला है। लव यू। जाने की जो तैयारी है वो पूरा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बन रहा है खजूर, क्योंकि मम्मी बनाई है खजूर, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या क्या बनाई, क्या क्या डाला? जो हम लोग कहीं भी जाते हैं अपने घर से बाहर, तो सोचते हैं कि कुछ खाने पीने वाला सामान जो भी हो हम लोग अपने घर से ले जाएं और सब कुछ अपना बना के खाएं, बाहर का सामान ना खाएं, ताकि ज़्यादा तेल वाला सामान होता है और अच्छा नहीं मिलता है। तो अपने ट्रेन का खाने के लिए हम लोग अपना तैयारी करते हैं, और जहाँ जिसके पास जाना है उन लोग को भी मिठाई के बदले में अपने हाथ से कुछ बनाकर हम लोग खिलाएं। इसलिए हमारा मतलब ये सोच रहता है कि बनाएं, अभी खजूर बना रहा है, कल लिट्टी बनेगा और हम लोग को कल निकलना है यहाँ से। तो आप लोग व्यस्त कीजिएगा, जब तक आप लोग को वीडियो मिलेगा शायद पता चल चुका होगा कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसी बने रही है वीडियो पर। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होगा सूद घी का माइन किया है, घर का घी था, और सूजी मैदा आटा गेहूँ का है, सब मिक्स करके बना रहे हैं, क्योंकि केवल मैदा का सूजी का नहीं बना रहे हैं, लड्डू भी है साथ में, तो मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम गेहूँ का आटा भी इसमें डाले हुए हैं। और अब इसको गोल गोल करके ठोक के गर्म पानी में इसको किया है, गूथे हैं। ये रिफाइन है। और क्या क्या बन रहा है अभी? अभी चिवड़ा भुंजाएगा, और फिर उसके बाद से कल लेटी बनेगा, और रास्ता के खाने के लिए आप लोग के लिए बनेगा जो खाइएगा लो। और गाइस, इससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है अभी आप मम्मी जो है वो सुबह में बनाई है उसमें गुदली, छीमी, केवल आज छीमी का ही बना है, दूसरा कुछ नहीं है। तो हरा हरा इसलिए दिख रहा है, इसमें आलू वगैरह नहीं डाले हैं, केवल मटर ही है, आज आलू नहीं डाले हैं इसमें, हम दाल बनाए हैं मटर का। तो सर चलिए गाइस आगे चलते हैं वीडियो को आगे लेके, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मम्मी डिसाइड कर ली है कहीं जाने का, तो फाइनली गाइस आप सबका स्वागत है। और आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्या अभी क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को वीडियो में, वो बने रहिए। यहाँ पे जो जेरी है अकेले रहने वाला है, कुछ दिन अकेले रहेगा जेरी। लिट्टी बन गया है, राजमा का सब्जी बना है, आलू का भुजिया बना है, और चावल भी बना दिए हैं, जैसे चावल खाना होगा चावल खाएगा। और आप लोग देख सकते हैं लिट्टी है, और यहाँ पे सुबह अभी 4 बजने वाला है, उठे हैं 2 बजे का 2:30 बजे का, और सब आराम से अब जाकर नहाएंगे, नहा के पूजा पाठ करेंगे। तो सब सामान जो है पैक हो चुका है, और टाइम हो चुका है 3:58। अच्छा है, समय से पहले तैयारी हो गया, तो मेरा राजमा चल रहा है। और ये भी तैयार हो गई। नमस्कार, हम ना आ चुके हैं, आज मेरा एनिवर्सरी है गाइस। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, आप लोग बोल दीजिए निकालेंगे। और जीजू भी यहाँ पे तैयार होने ही वाले हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट में सब हम लोग निकल जाएंगे। तो अब बहुत ही अच्छा जर्नी पे, और ये देख सकते हैं रूम का हालात सब, आप सही हारेंगे पापा चल रहे बता। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू को जो कैसे सोया हुआ है। लड्डू गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग। जय हे अम्बे हे जगदम्बे जय पूजा होने के बाद मामिया जी जल्दी जल्दी अब जो है वो सारा सामान पैक कर रही है खाने का सामान ताकि बाद में जाके अभी टाइम मतलब खराब ना हो। तो पेपर अभी आएगा और इसके बाद से थाली बर्तन जो है थोड़ा सा चढ़वा तो उसमें से निकला ये पोछा लाया। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं लोग और यहाँ पे जेरी जो है वो थोड़ा सा रो रहा है। जेरी रो मत, आएंगे हम लोग कुछ देर में। बाय बाय जेरी, बाय बाय। बाय बाय जेरी। अरे अभी 40 में मिल गया टीका ने बाबू। अरे टकराने वाला टकरा लो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं 3 नंबर पे क्योंकि वहीं पे मिलता है और ये एक्सेलेटर शायद चल नहीं रहा है। ला तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर में और गोरखपुर में आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग यहां से कुछ ही देर के बाद से हम लोगों का ट्रेन जो है वो अंबाला की तरफ जाएगा। मम्मी भी यहां पे हैं, सब लोग आ चुके हैं लोग वहां पे। दीदी है तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो को आगे लेके। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं लोग सामान कैसे तैसे पड़ा हुआ है और इसमें मम्मी बैठी हुई हैं और जीजू जी बैठे हैं और दीदी भी। तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी हम लोग तो 7 बाज से निकले थे लोग पूरा एकदम एक ट्रॉली दो ट्रॉली इधर मेरा उधर इनका सब लिखे, लेकिन बीच में आ गया है थोड़ा सा ट्विस्ट। अर्चन आ गया। ट्विस्ट ये है कि हम लोगों का किसी का भी टिकट कन्फर्म नहीं है और टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण से टिकट कंफर्म है एक जन का टिकट कंफर्म है वो ये है तो इनका जो है टिकट कंफर्म है, बाकी हम लोगों का टिकट किसी का भी कंफर्म नहीं है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ से गोरखपुर भी जा सकते हैं हम लोग, गोरखपुर से सिवान भी जा सकते हैं और नहीं तो हम लोग घर भी जा सकते हैं। तो गाइस आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जितने गोरखपुर के लोग हैं हम लोग का यूट्यूबर आइए लोग मिलने, हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी 4-5 घंटे भारी मुसीबत में बैठे हैं। जब तक अपलोड होगा हम लोग अपने घर जाते हैं, पता चल चुका होगा कि हम लोग अंबाला होंगे ना। इसी बात रुक जाइए तब। Thank you.
क्या बना रही है? चाप, चाप था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है अपना भोपाल। हाँ भाई कैसा खाओ करा रहा का भाई। हाँ नमक मसाले का भोपाल कैसा लग रहा है आज का दिन आपको? तो यहाँ पे देख सकते हैं उसकी लड्डू जो है सोया हुआ है और यहाँ पे यहाँ पे ये यूट्यूबर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपने फैमिली के साथ में तो देख सकते हैं। फैमिली में एक खाली हमारे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ, बाकी मेरा बेटी नाती दामाद बेटा सब मेरे साथ है। अब क्या चाहिए हमको? प्राजी चौड़ पे दिख रहे एयरफोन मोबाइल चार्जर एयरफोन दादा के बाद No. तो गाइस यहाँ पे एक मुहावरा है, आप लोग इसको बताइए कैसा लगता है। मम्मी बता रही थी कि ये बहुत ही अद्भुत चीजें हैं, ये क्या कर सकती है आप लोगों का अंदाजा नहीं है, तो बताइए मम्मी क्या कर सकती है। नहीं हमको बोल रहा है कि आप इतना मोटा कुत्ता कहाँ देखिए, अगर बता दीजिएगा तो समझेंगे कि यादाश्त आपका सही है। हम बोले क्या हमारा यादाश्त तो थोड़े जा रहा है, हम उड़द चिड़िया का पंख में हल्दी लगाते हैं। इतना एक्स्ट्रा जो बात होता है सुनते हैं उसके माने समझता है क्या होता है? बताइए तुम बताओ क्या अपना गाजलो से पूछो क्या होता है अर्थ उसका। तो गाइस कमेंट कीजिएगा लोग उड़ता चिड़िया को हल्दी लगाना। जो भी है दांत तो मम्मी दांत अब गैप दिख रहा है पूरा ध्यान रखो। उससे कोई बात नहीं है, गैप है जो है हकीकत जो है दांत में घाव हो गया था उखड़ा गया। एगो मैप लोग खा लीजिए, एगो हम प्रिंस खा लेते हैं क्या? हाँ ले लिए में से वो ना खाए तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्मी जो है आ चुकी हैं और हम लोग सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जर्नी? और अब हम लोग आ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा कि अंबाला कैंट में, और अंबाला कैंट में जो है मम्मी अभी अभी देख रही होंगी मम्मी यहाँ पे अब आ गई। लेकिन एक गुड न्यूज है कि हम लोग आ चुके हैं और एक बैड न्यूज है कि हम लोगों को लेने कोई नहीं आया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दोसाड़का में, दोसाड़का बस पकड़ने। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना बुलाना चाहा जितना बुलाना चाहा तुम याद आ। जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।